हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एज जी। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एसुस ज़ेनफोन मैक्स M2, जो कि मेरे दोस्त ने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से 8,499 रुपीज़ में, मतलब कि 8,500 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ आपको इस टाइप का बॉक्स मिलता है। यहाँ पर कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन है और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स बैटरी एंड मैक्स डिस्प्ले। 6.3 इंच की HDD डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट से इम्पोर्ट हुआ है और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो फटाफट अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्स निकाल लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एक छोटा बॉक्स मिलता है ऊपर। तो इसके अंदर आपको, मुझे पता है क्या मिलने वाला है, एक सिम इजेक्टर पिन और एक केस मिलने वाला है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो पैकेजिंग काफ़ी इसकी सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बॉक्स निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। बात करते हैं और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ज़ेनफोन मैक्स M2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिवाइस है हमारा। तो इस साइड में रख देते हैं और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है हम फटाफट देख लेते हैं। तो ये ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक केबल मिल जाती है, माइक्रो USB 2 USB केबल मिल जाती है। और एक अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जर है, तो चार्जर निकाल लेते हैं हम। चार्जर की बात करें तो नॉर्मल चार्जर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग ASUS। और ये चार्जर 5V 2A, मतलब नॉर्मल चार्जिंग है, 10W का ये चार्जर है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और बात करते हैं अभी हम इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ नहीं इसमें। तो हम अभी फर्स्ट वाला बॉक्स ओपन कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। तो जैसे कि इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है आपको एक, और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है, IME स्टिकर मिल जाते हैं, वो उसको आप साइड में रख देते हैं, उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक यूज़र गाइड मिल जाता है, या आप बोल सकते हैं यूज़र मैनुअल। तो इसको भी आजकल कोई पढ़ता नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेकार है, तो इसको भी आप साइड में रख देना। और अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ASUS वारंटी इन्फॉर्मेशन फॉर्म, तो इसको भी साइड में रख देते। अंदर की बात करें और तो आपको एक केस मिल जाता है, जो कि प्रोटेक्शन में काम आएगा और बाद में वो पीला गिरेगा, तो पीला हो जाता है उसका कलर, वो मालूम है आपको, सभी को पता ही होगा। तो ये केस हम देख लेते हैं कैसा है। तो केस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी चकाचक एकदम वाइट है पर बाद में वो पीला हो जाता है, इसके लिए फ़ायदा नहीं है, पर एक प्रोटेक्शन के हिसाब से सही है, कंपनी केस तो दे रही है। तो केस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। बात करते हैं अभी हम डिवाइस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस ज़ेनफोन मैक्स M2, यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स बैटरी और मैक्स डिस्प्ले हाईलाइट फीचर बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 632 आपको इसमें मिल जाता है, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, 6.3 इंच की ऑल फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो इसके ऊपर का हम प्लास्टिक अभी निकाल लेते हैं फटाफट। तो प्लास्टिक निकाल लेते, कवर है एक टाइप ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको फ़ोन मिल जाता है, दिखने में काफ़ी सही दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं आपको माइक मिल जाता है, एक स्पीकर मिल जाता है और एक चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। साइड में आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप एंड डाउन आपको बटन मिल जाता है। टॉप की बात करें तो टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडफोन जैक मिलता है और नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये साइड में आपको सिम ट्रे आपको मिल जाता है, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिस्प्ले फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा है। पीछे आप देख सकते हैं डुअल कैमरा मिलता है, 13+2, एक फ्लैश है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASUS ब्रांडिंग। और यहाँ पर हम फटाफट अभी फर्स्ट बूट कर लेते हैं, तो पावर ऑन कर लेते हैं। तो मैं पूरा सेटअप करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा मिल जाता है और एयर पीस मिलता है। तो फिर फटाफट हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ASUS के यहाँ पर एक फोल्डर मिल गया मुझे और यहाँ पर कुछ इन्फो या उनके ऐप्स है। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और एकदम विदाउट लैगी परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, जो कि बजट, मतलब बजट ओरिएंट में पूरा स्टॉक एंड्रॉयड आपको यहाँ पर मिल जाता है। ब्राइटनेस यहाँ पर फुल करके देखते हैं, तो यहाँ पर ब्राइटनेस का भी कोई इशू नहीं, एकदम सही डिवाइस है। 8,499 में आपको क्या चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर जाके सेटिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग भी यहाँ पर पूरे स्टॉक मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ASUS लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एंड्रॉयड ओरियो मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, पाई जल्दी आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, कंपनी से उम्मीद तो है पाई जल्दी दे देगी। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2018 का है, अभी तक मतलब जैन या फेब का आया नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरियो है, आप देख सकते हैं अक्टूबर भाई, खेलो थोड़ा इससे, तो यह काफ़ी मज़ा आता है खेलने में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी कुछ इस डिवाइस है। अगर आपको बाय करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप बाय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये डिवाइस काफ़ी पसंद है। और जी हाँ, आप सोच रहे होगे कि भाई ये ऐसा अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा है, ये अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया है, ये मेरे दोस्त ने किया है, तो वो मुझे वीडियो सेंड किया है, तो इसके लिए मैं ये खाली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम फटाफट फिंगरप्रिंट सेट करके देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर लेता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिंगरप्रिंट हम ऐड कर लेते हैं और कितना फास्ट ओपन हो जाता है फिंगरप्रिंट से हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न डाल देता हूँ। नेक्स्ट तो डन। तो यहाँ पर फाइंड सेंसर, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैं ऐड करके देख लेता हूँ। तो फिंगरप्रिंट फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो डन, तो फिंगरप्रिंट हमारा एडिड हो गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट कितने सेकंड में ऑन कर लेता है, मतलब अनलॉक कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टच किया तो अनलॉक, तो जैसे कि आप देख सकते काफ़ी फास्ट होता है। तो आप जैसे टच करोगे वैसा फटाक से अनलॉक हो जा रहा है, जैसे आप देख सकते मुझे लगता है 0.3 सेकंड से भी कम ले रहा है ये टाइम, तो काफ़ी अच्छी बात है। एसुस यहाँ पर बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते फटाफट अनलॉक हो जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस मिलता है आपको 8499 में। यहाँ पर कैमरे की बात करें तो कैमरा भी यहाँ पर आपको मस्त मिल जाता है, 13+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आपको 8 मिल जाता है 8 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको कैमरे के आइकॉन्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी सही दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फ्लैश ऊपर, फ्रंट कैमरा, सेल्फी वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सब सेट कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी ये वो सब, मतलब पूरा स्टॉक एंड्रॉयड का यही फ़ायदा रहता है, मतलब तो आप सब मैन्युअली सेट कर सकते हैं ISO ये सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लेयर्स मिल जाते हैं, सेटिंग्स में मुझे इसके काफ़ी पसंद आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसका ये समझ में नहीं आया कि इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं, वो तो मेंशन नहीं किया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 8499 में आपको चाहिए भी क्या, इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे। तो आप अगर आपको बाय करना है तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बस फ्रेंड इतना ही वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।